ओम श्री परमात्मने नमः, ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको एक ऐसी धुन देने वाला हूं जिस धुन के माध्यम से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। हमेशा यह याद रखिए कि संगीत या ध्वनि जिसके दम पर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, और यह प्राचीन काल से चला रहा है। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं सुना होगा कि जब कहीं मंदिर में आरती होती है या पूजा होती है, उस वक्त जो शैतान किसी के अंदर होता है, जो नकारात्मक विचार किसी के अंदर होते हैं, वह बाहर आने लगते हैं, और जो भूत प्रेत इत्यादि होते हैं वह भी उस समय आपको देखने को मिलेगा कि मंदिर में आरती के समय लोग ऊटपटान हरकतें करते हैं, क्योंकि वह ध्वनि इतनी प्योर, इतनी पॉजिटिव होती है कि जो अंदर नकारात्मक ऊर्जा है उसको बाहर निकाल देती है। आपने देखा होगा जब भी कहीं घर में कीर्तन इत्यादि होता है, तो सबसे पहले जब कहते हैं लोग कि माता आई है, वह माता सबसे पहले ढोलकी पर आती है। जो ढोल की धुन वहाँ बज रही होती है, उस ढोल की धुन पर वो एनर्जी आती है, उसके बाद उस दिए पर जो माता के सामने प्रज्वलित होता है, उसके सामने वह शक्ति एकत्रित होती है, इकट्ठी होती है, और उसके बाद वह शक्ति उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है जो माता का भक्त होता है। इसी प्रकार की मैं आपको एक ऐसी धुन, या फिर यूं कहिए एक ऐसी संजीवनी बूटी देने जा रहा हूं जिसके जरिए आप अपने किसी भी कार्य को मात्र उसको सुनकर पूरा कर सकते हैं, और सुनने की संख्या 108 बार है। आप इस ध्वनि को डाउनलोड कर लीजिए, या फिर आप इसको ऑनलाइन 108 बार सुनिए, और ऐसा चमत्कार होगा कि आप अपनी जिंदगी में पूरी तरह से हैरान हो जाओगे मात्र सुनने भर से। ना कोई जाप है और ना ही कोई टोटका, सिर्फ 108 बार इसको सुनना है, और उसके बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। मेरी इस बात से बहुत से साधक अथवा साधिकाएं नाखुश होंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, सुनने मात्र से ही कोई काम कैसे हो सकता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों के सामने एक छोटी सी क्लिप प्ले कर रहा हूं, जिसके जरिए आपको भी यकीन होगा कि हाँ, सुनने मात्र से भी काम बनते हैं, और यह सबसे सरल और सहज है। अब तक आपने क्या देखा, क्या सुना, सब भूल जाइए और सिर्फ मेरी बात पे विश्वास कीजिए। आंख मूंद कर मैं जैसा कह रहा हूं उसके ऊपर अमल कीजिए, और आपके जीवन में कुछ ऐसा घटेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। चमत्कार इसी दुनिया में होते हैं। तो सुनिए इस क्लिप को, और उसके बाद मैं आपको सुनाता हूं वो धुन जो आपको 108 बार रोज सुननी है, एक महीने के लिए, यानी कि 30 दिन के लिए, और उसके बाद आप अपने जीवन में देखेंगे अत्यधिक ऐसे चमत्कार, ऐसे मोड़ जो पहले आपको कभी नहीं मिले होंगे। इस हद तक आपकी जिंदगी बदल जाएगी कि आपने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा, और यह कभी कभी एक बार सुनने मात्र से ही असर दिखाती है। और हमेशा की तरह मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिनके काम बने हैं वह कृपया हमें मैसेज या फोन करके अवश्य बताएं। उसने, मतलब मेरी छोटी सिस्टर है, उसका फोन आया मुझे देहरादून से, तो उसने मुझे कहा कि तुझे पता है कि व्हाट्सएप पे जीजा जी की फोटो दिख रही है, मेरे हस्बैंड की फोटो दिख रही है, मतलब। अच्छा। उसने मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स को ब्लॉक करा हुआ था। अच्छा। तो मेरे को लगा कि, मैंने कहा हो सकता है तेरा नंबर नहीं होगा उसके पास, और इस वजह से तेरे को दिख रही होगी। तो फिर मैंने कहा एक बार मैं भी देख लेती, वैसे मैं देखती नहीं थी क्योंकि उसने मुझे ब्लॉक करा हुआ था हमेशा। तो सर मैंने देखा था, उसने मुझे अनब्लॉक कर दिया, और ये तो मतलब बहुत ही बड़ा चमत्कार है, क्योंकि ये लगा लीजिए कि वो, मतलब वो तो मुझे पहले कोई भी नया नंबर लगता था, मुझे पहले ब्लॉक करता था, फिर उससे कोई मतलब अपना ही व्हाट्सएप वगैरह चलाता था। अच्छा। तो सर मैंने कई दिनों से आपको फोन करने कर रहा है, उन्होंने फोन मतलब लगता नहीं है, हो सकता है शायद मैं 6 बजे करीब करती हूँ शाम को, आज फॉर्चुनेटली फोन भी लगा है। अच्छा, तो सर ना मैंने उसको रिप्लाई करा, ना मैंने अपनी तरफ से कोई मैसेज करा, मुझे लगा कहीं वो मुझे ब्लॉक कर दे या मतलब कोई पता नहीं क्या हो जाए। मैंने कहा एक बार मैं आपसे बात कर लूं। अच्छा, तो सर मुझे ना बहुत विश्वास हुआ मतलब आप पर। अच्छा, कब से ब्लॉक कर रखा था उन्होंने? सर ये लगा लीजिए ब्लॉक 2-2.5 साल हो गए हैं। अच्छा।
हाँ कि मैं कहीं से भी उसको, जैसे वो नया नंबर भी लेता है तो मैं ऐसे अगर फ्रेंड वगैरह से ले लूँ ना तो तब भी मैं उस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करती हूँ, तो वो ब्लॉक ही दिखता है मुझे, मतलब वो नंबर पहले मेरा ब्लॉक करता है। अच्छा। पता नहीं सर इसमें क्या परेशानी हो गई, हो सकता है केस चल रहा है ना हमारा, केस तो सर मैंने ही डाल दिया था, मुझे लगा था वो मारपीट वगैरह करता है करता था तो मुझे लगा सुधर जाएगा करके। अच्छा, सर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा। और केस का भी कोई रिजल्ट नहीं आया, उसकी मीन्स अटका हुआ है। अच्छा, तो सर मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही हो जाए, तो मैं पहले आपसे मतलब मदद लेने के लिए मैंने फोन किया सर, क्या करूँ। अच्छा, तो कितने टाइम में अनब्लॉक कर दिया था आपको? सर मैं कह रही हूँ ना कि मीन्स 24 घंटे, मतलब आज का वीडियो मैंने 11-12 बजे देखा था, मैं पढ़ रही थी साथ साथ में और ईयरफोन्स लगा के, वो अच्छी लगी मुझे, मतलब लाइन स्टार्टिंग, तो मैंने कहा सुन लेती हूँ कौन सा मंत्र होगा, तो क्या कहते हैं बस ऐसे ही सुना सुना था, बस पूरा भी नहीं सुना था सर, मतलब 18 मिनट की 14 मिनट की वीडियो, तो मैंने 10 मिनट सुना था, फिर में मेरी बेटी आ गई थी तो मैं उसको भेज लगा, पर सर वो और शाम को ही मेरी बहन का फोन आ गया कि वो जीजा जी नंबर दिख रहा है, तो उसने अनब्लॉक कर दिया था हमें। अच्छा। मतलब 24 घंटे भी नहीं लगे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी मीन्स चमत्कार है एक तरीके से। जी बिल्कुल, उसको पूरा सुनते रहिए, वो आपको अनब्लॉक भी कर देंगे और आपसे पहले की तरह रिलेशन भी बनाएंगे। तो सुनिए यह चमत्कारी धुन।